अक्सर आप देखते हैं कि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनका डॉक्टर कहते हैं कोई इलाज नहीं है। आज हमारे साथ एक पेशेंट है और इनका 2020 में हमने एंजियोप्लास्टी की थी, इनको हार्ट अटैक पड़ा था, पर अभी 2 महीने पहले इनको बुखार खांसी हुआ, उसके बाद इनकी किडनी की रिपोर्ट खराब हो गई, मतलब किडनी डैमेज हो गई इनकी, और इनका जो क्रिएटिनिन है वो 5.5 तक पहुँच गया था। तब काफ़ी हमने कोशिश करी और डायलिसिस के बिना ही पेशेंट का क्रिएटिनिन अब आज की तारीख में 1.2 तक आ चुका है। तो ये हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। तो केशव सिंह जी, जब हमारे पास आप आए थे 2020 में, तब से आप बिल्कुल ठीक चल रहे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अभी आप एक दो महीने पहले आपको बुखार खांसी के बाद आपको दिक्कत हुई थी जी, तब हमने आपको एडमिट भी किया था, आपको सांस बहुत फूल रही थी और आपकी किडनी की रिपोर्ट काफ़ी ख़राब आने लगी थी, आपकी इनकी किडनी काफ़ी डैमेज हो गई थी, पर हमने कोशिश करी, काफ़ी तमाम कोशिश करी, दवाइयाँ दी कुछ इनको और आपको इनकी रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं। पहले इनका क्रिएटिनिन 5.5 तक पहुंच गया था करीब, और आज की तारीख में 1.2 आ गया वापस वो। तो किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें समय पर इलाज मिल जाए और उनको सही दवाई और उचित सलाह मिल जाए।